हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज एंड एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो इकोनॉमिक्स का पीजीटी का पेपर हुआ है उसका आंसर की देख लेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, उसके उत्तर जो है हमें अभी नहीं मिल पाए हैं तो उसका उत्तर दीजिएगा। लगभग 4 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर अभी नहीं मिल पाए हैं तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न जो है। पहला प्रश्न जो है इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शंस डी इज राइट ऑप्शन है पहले प्रश्न का। प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है आयातों के मूल्यों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शंस डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। विकास के आधार पर निम्नलिखित कलाक्रमबद्ध कीजिए, तो इसको एक सीक्वेंस में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा स्फीति लाभदायक है, तो ये किसमें लाभदायक है, उत्पादक के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बेसल समझौता संबंधित है, तो यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुल आभास लगान बराबर होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए होगा, तरलता पसंदगी सिद्धांत में तरलता जाल की स्थिति दर्शाता है, तो उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर टेन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अलेवन का जो राइट ऑप्शन होगा, 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, किन सबसे पहले अधिक संबंध है, तो यह किसे संबंध है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा, मांग जनित स्फीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मूल्य क्या है जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका एक। क्वेश्चन नंबर 16, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सत्रह का जो राइट ऑप्शन होगा यह मिला लेंगे इसको, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, जहाँ तक हमारे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, नहीं तो इसका देख लेंगे आप लोग, ये कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर अठारह का जो राइट ऑप्शन होगा इष्टतम प्रशुल्क है, तो इष्टतम प्रशुल्क जो है ऑप्शन ए होगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस अर्थशास्त्री का विचार था कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर इक्कीस का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है, तो भारत में जो वित्त व्यवस्था पाई जाती है वह ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट ऑप्शन। तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जो राइट ऑप्शन होगा इसका मिलान करना है, तो जहाँ तक है इसका ऑप्शन सी हो सकता है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का प्रजनन एवं बाल्य स्वास्थ्य
प्रारंभ किया गया है तो कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब तक कुल उत्पादन इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा, बढ़ते दर से बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक देश द्वारा आयात शुल्क लगने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत क्या होगी, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एमपीसी बराबर 0.5 तो गुड़क के का मान होगा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है 28 का जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा, मनीला में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं की मांग का लोच है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 35 का ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है, तो जो नियामक संस्था है टेलीकॉम की इसका आप लोग देख लेंगे, कंफर्म नहीं हो पा रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कृषि क्षेत्र के बिना लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो नाबार्ड है कृषि के लिए जो सर्वोच्च संस्था है या नाबार्ड है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट ऑप्शन होगा यह इसका जो है अभी तक क्वेश्चंस कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा आपको अगर इसका उत्तर पता होगा तो। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन इसका 49 का सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, मांग का नियम कहलाता है, तो क्या कहलाता है, 50 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट ऑप्शन होगा 52 का जो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी तो 12वीं थी, 52 का राइट ऑप्शन एक होगा। क्वेश्चन 53 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका 54 का। क्वेश्चन नंबर 55, यूलर के प्रमेय का संबंध है, तो इसका जो संबंध है 55 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा राइट ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61 एशियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, मनीला में। क्वेश्चन नंबर 62, आंतरिक मित्व्यताएँ उत्पन्न होती हैं जब या कब उत्पन्न होती हैं, तो 62 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63
कीमत विभेद केवल तभी संभव है जब, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन होगा। वह बजट जिसमें उसकी कर आय और व्यय बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट ऑप्शन होगा 66 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा जो हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68, एक तटस्थ वक्र विभिन्न संयोग दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं, तो 68 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समान संतुष्टि दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन जगह उपयुक्त सभी। ओपेक्स तेल निर्यातक पर नियंत्रण रखता है, तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा यानी कार्टले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा भूमि पुनर्निर्वरण, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, व्यावसायिक बैंक साख का निर्माण करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अपनी नगद जमा के आधार पर डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट ऑप्शन होगा उपभोग कर लगाने की सिफारिश की थी, तो किसके द्वारा लगाया गया था, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 जो है यह डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता होगा तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 यानी सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, 79 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा, ब्याज की दर पर। क्वेश्चन नंबर 80, मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसमें पूछा गया उद्देश्य नहीं है तो मुद्रा की तटस्थता जो होगा राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, साम्य एक स्थिति है जहां पर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा 81 का डी राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट ऑप्शन होगा 82 का वह जहां तक है उम्मीद इसका राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से यह कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 83, क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट ऑप्शन होगा 84 का वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 यानी सांख्यिकी समांकों का मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका जो लक्षण है 86 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो 87 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर द्वारा किया गया था, तो 89 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है, तो किसे लाभ होता है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, सभ्य संभाय इसका जो राइट ऑप्शन होगा 91 का ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा, बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में उच्च ऊर्जा सर्वाधिक अंश हैं, तो किसका है,
तो इसका राइट ऑप्शन होगा 94 का बी, ताप ऊर्जा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ताप ऊर्जा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 95, डाल्टन के अनुसार इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में कौन सा काप डागलम उत्पाद पालन के लिए सत्य नहीं है, तो इसका 99 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। 100 क्वेश्चन नंबर्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा, यानी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट ऑप्शन होगा यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर्स आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर्स 104 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट ऑप्शन होगा वह लंबवत रेखा होना चाहिए। इसका जो यह जो प्रश्न है इसका यह तीनों सही है, लेकिन ये जो ऑप्शंस डी हैं यह जो प्रश्न है यह आयोग के द्वारा जो दिया गया प्रश्न है यह गलत प्रश्न दिया गया है। यानी इसमें पूछा गया है तटस्थ वक्र रेखा कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो तीनों विशेषताएँ जो हैं यह सभी विशेषताएँ नहीं हैं, तो यहाँ पे जो प्रश्न है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा, यानी बैंक दर नीति। क्वेश्चन नंबर 108 करों का उद्देश्य क्या होता है, तो करों का उद्देश्य जो होगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HD का घटक नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, यानी शिशु मृत्यु दर जो है यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था सी इसका राइट ऑप्शन होगा 2015 में। क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी होगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट ऑप्शन होगा इसका भी राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा वर्ष महान विभाजन वर्ष कहलाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा M3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट ऑप्शन होगा खुले बाजार की क्रियाएँ होती हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 117, रिकार्डो के अनुसार देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार का लागत अंतर आवश्यक है, तो 117 का जो राइट ऑप्शन होगा यह ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी राइट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटने वाला माप कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होना चाहिए, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिए जाने वाला प्रतिफल है, तो जो 119 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट ऑप्शन होगा वह एक ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट ऑप्शन होगा यह भी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125
क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।